देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या, जैसे हम लोग तो उसको ज्यादातर प्रोडक्शन से कनेक्ट कर रहे हैं ना, कि चीजें कितनी बन रही हैं, प्रोड्यूस कितनी हो रही है, प्रोडक्ट्स कितनी आ रही हैं हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, या एक कंट्री के अंदर, या एक कंट्री की इकोनॉमी के अंदर। वो भी है, प्रोडक्शन भी एक पार्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, या एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। लेकिन उससे ज्यादा आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। रोड्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एजुकेशन का सिस्टम अच्छा है, तभी आप लोग किसी भी इकोनॉमी को बोलेंगे कि वो वाकई डेवलप्ड इकोनॉमी है। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल यानी मिनिमाइज किस तरह किया जा सकता और कम हो रहा है तो भी उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। आगे जाके हम एक पढ़ेंगे डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट। डिफ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन ना होना, प्राइसेस में जनरल डिक्रीज आना, और उसकी भी एक लेवल होनी चाहिए, ऐसा ना कि इतनी डिक्रीज हो जाए कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको नुकसान उठाना पड़े और उनके जो एक्सपेंसेस है वो मीट ना हो रहे हो, और वो गवर्नमेंट को टैक्स भी दे ना पा रहे हो। तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है। ये जो इक्विलिब्रियम है ना, वो सिर्फ इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं है, वो हर फील्ड के अंदर है, और इवन आपकी लाइफ के अंदर भी है। तो तवाज़ुन कायम रखना एक अच्छी बात है, उससे आपकी जिंदगी आसान होती है, उससे आप तरक्की करते हैं एकदम से। आपने देखे होता क्या है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों की पढ़ाई, अगर आप आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे तो आपके एग्जाम्स अच्छे होंगे, बनिस्बत उसके कि आपने पूरे 6 महीने ना पढ़ा और एग्जाम वाली तारीख पे जो है आपने भर मार के पढ़ा। तो फिर पेपर जैसे ही आए तो हो उनका जो हशर होता है उनका, उसका तो हमें पता है कि वो क्या हशर करके दे रहे होते हैं आप लोग पेपर का। तो बैलेंस कायम रखा करें, और इसीलिए इकोनॉमी या गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, मुदाखलत करती है। किसके अंदर? मार्केट्स के अंदर। मार्केट के अंदर कौन है? कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, दो पार्टी थे मार्केट के अंदर। उनको एक सिमत में रखने के लिए, एक डायरेक्शन में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट प्राइसेस को सेट करती है, ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे, इकोनॉमी के अंदर कोई मसला ना हो। ठीक है, अब सबसे पहले एक जो इंस्ट्रूमेंट है, जो टूल है आपके इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं, वो है फिस्कल पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी है? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसका एक अलग से चैप्टर है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को हम बजेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं और फिस्कल पॉलिसी भी कह सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपके पास, उसका मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उसका मतलब ये होता है कि आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपके रिवेन्यू कैसे कलेक्ट किए जाएंगे, कितने कलेक्ट किए जाएंगे, आपके रेवेन्यू कितने होंगे, और आप स्पेंड कैसे करेंगे। गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है तो वो कहाँ लगाती है? हमारे ऊपर है। सही तो मॉनेटरी सॉरी द फिस्कल पॉलिसी इज ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड स्पेंडिंग ऑफ दोज रेवेन्यूज
that have been collected in the form of tax. ये अगर टैक्स का होता तो हम टैक्स को भी डिटेल में पढ़ते, लेकिन आगे जाके पढ़ेंगे उसको। टैक्स होता क्या है, क्यों देते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, यहाँ तक आप इसको महदूद करें इन्फ्लेशन तक। इन्फ्लेशन को कंट्रोल फिस्कल पॉलिसी कैसे करती है? देखिए, फिस्कल पॉलिसी में टैक्स डिसाइड किया जाता है, कंज्यूमर टैक्स, इनकम टैक्स, या आपकी सेल्स टैक्स, या प्रॉफिट टैक्स, या जिसको हम कॉरपोरेट टैक्स भी बोलते हैं। एक कंपनी के ऊपर अगर विद होल्डिंग टैक्स, अभी जैसे ही नवाज शरीफ का दौर आया था तो आप बहुत सारी अकसाम सुने थे टैक्सेस के, विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स, फिर इनकम टैक्स आपने देखी थी सुनी थी, और इम्पोर्ट टैक्स सुनी थी आपने, आपने टैरिफ का कॉन्सेप्ट सुना था, और बेताश आप लोगों ने टैक्स सुनी थी, यानी जितनी भी दुनिया में टैक्स एग्जिस्ट करती थी तो वो आप लोगों ने माशाल्लाह से सुन भी ली और उनकी प्रैक्टिस भी कर ली नवाज शरीफ के दौर। सही है, तो टैक्सेस अगर ज्यादा कलेक्ट की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्या टैक्सेस अगर ज्यादा कलेक्ट की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, यानी जो चीज आप ले रहे हो उसमें डबल डबल टैक्स लग रही है, आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लग रही है, तो क्या होगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी आपकी। सही है, लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आपका प्रोड्यूसर आपको कम प्राइसेस में अशिया देना देगा, या अशिया देने के लिए तैयार होगा वो, उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे ही आपकी इनकम भी इतनी कट के मिल रही होगी कि आप उस इनकम पे ज्यादा चीजें बाय नहीं कर पाएंगे। सही, तो अगर जब टैक्स बढ़ाई जाए, क्या जब टैक्स बहुत सारी लगाई जाए लोगों के ऊपर या कंपनीज के ऊपर, तो ये कौन सी पॉलिसी होगी, ये होगी कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके टाइप्स भी ना। और जब टैक्स कम लगाई जाए, यानी लोगों को इनकरेज किया जाए, प्रोड्यूसर्स को इनकरेज इनकरेज किया जाए, अभी देखें जिस तरह आईटी सेक्टर है ना, उसके ऊपर टैक्स होती ही नहीं थी, 0% टैक्स हुआ करती थी। अब ये जैसे ही नवा अपना इमरान खान आया तो उसने 4% कर लिया, तो आईटी सेक्टर की जो प्रोडक्शन है वो मुतासर हुई पहले साल में। फिर दूसरे साल में इमरान खान ने क्या किया कि यार हमने अपनी कौम को डिजिटाइज भी करना है, डिजिटलाइज भी करना है, और डिजी पाकिस्तान का एक वो ख्वाब भी लेके आए, तो ये ख्वाब तो अब ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अगर हम इसी सेक्टर पे इतने टैक्सेस लगाते जाएंगे तो लोग डिस्करेज होंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि यार हम जितना कमा रहे हैं उससे इतना परसेंट हम गवर्नमेंट को दें तो हम अपने लिए क्या रखें, अपने पास क्या रखें। ठीक है, तो आजकल उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता आईटी के सेक्टर के ऊपर, आईटी की जो चीजें आप बना के बेचते हैं ना, सॉफ्टवेयर डेवलप करके बेचें, या कोई चीजें फ्रीलांस की बना के बेचें, लोगो डेवलप करके बेचें, वेबसाइट डेवलप करके बेचें, तो क्या होता है, नो टैक्स होती है वो, किस लिए, ताकि आप लोग एनकरेज हो, मोटिवेटेड हो, ज्यादा से ज्यादा चीजें बना के बाहर भेजें, और बाहर से पैसा आए, पैसा तो वैसे भी गवर्नमेंट के खजाने में आ रहा है ना, गवर्नमेंट से ही गुजर रहा है वो, और वो दोबारा हम लोग कंज्यूमर्स खर्च करेंगे उस पैसे को, किसी इकोनॉमी का हिस्सा जाके बनेगा वो पैसा, तो उस पर टैक्स लिहाजा कम रखी गई, किस लिए,
ताकि चीजें ज्यादा से ज्यादा बने, ठीक है। यानी टैक्स जब कम की जाती है तो उससे क्या होती है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन होती है, क्या, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होती है, लोग ज्यादा एम्प्लॉयड होते हैं, लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है, सही। और ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक कार्स का कॉन्सेप्ट है या जो इलेक्ट्रिक फ्यूअल है, अब क्योंकि जो आपका करियर है या जो आपका फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक होता जा रहा है और बहुत सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होने जा रही हैं, तो उन्हीं की प्रोडक्शन करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो हालिया बजट थी उसमें उनको 1% टैक्स रखा है। जैसे जो प्रोडक्शन को टैक्स है या जिसको हम सेल्स टैक्स भी बोलते हैं वो 17% है, ठीक है। वो क्यों रखा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर, हमारे कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो, हमारे अंदर लोग बनाए चीजें और बेचें। तो ये क्या हो रहा है, इनकरेज किया जा रहा है, ठीक है। तो यानी प्राइस, जब आप टैक्स कम लगाते हैं चीजों के ऊपर, दोनों, चाहे इनकम हो चाहे प्रोडक्शन हो, तो उसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, दिस इज द वे, आइदर टू इंक्रीज द टैक्स और डिक्रीज द टैक्स, सही है। अच्छा, टैक्स जब हमने ज्यादा कलेक्ट कर ली तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे। अगर स्पेंड नहीं की जाती तो फिर माली बुहरान होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, क्योंकि आप ही लोगों का पैसा जाके जो पब्लिक सर्विसेज हैं हमारी या जो इकोनॉमिक की दूसरी एक्टिविटीज हैं उनमें यूज होता है, दूसरा पैसा तो नहीं आता ना। हम सबका ही पैसा यूज होता है हमारे इदारों के लिए, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हमारा डिफेंस हो, हमारी पुलिस हो। कोई बात करना चाह रहा है? ठीक है, ये चांद रात को छोड़े, अभी जो है ना, ये अपना अभी जो आगे वाली ईद आ रही है वो चांद रात को नहीं होगी, वो 10 रात को होगी। तो फिर 10 रात को आप जाइएगा शॉपिंग करने के लिए और फिर आपको खूब डंडे पड़ेंगे गवर्नमेंट की तरफ से कि कहाँ आए हो, और अचानक से लॉकडाउन दिया जाएगा, और हो सकता है मुमकिन तौर पर आप लोगों को ये बकरा ईद घर में करनी पड़े और घर के अंदर कोई बकरा निकालना पड़े और उसको ज़बह करना पड़े। नहीं सर, क्या बोल रहे हो आप सर? ठीक है, तो एनीवेज, समझ में आ रही हैं बातें या नहीं, या सिर्फ जी हंसा, सर, या हंसी में आ रही पूरे है हो, सर, आ या सिर्फ हंसी में पूरे हो? सर, आपकी मुस्कुराहट सर, माशाल्लाह। देखिए, मेरी मुस्कुराहट पे नहीं जाए, आप अपना सीखे, मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ। देखिए, आप लोगों की जो है ना तवज्जो हट रही है पढ़ने से और आप लोग दीदारबाजी में मसरूफ हैं। अच्छा सर, आपकी नहीं स्माइल नहीं देख के सर, हमसे समझ पढ़ा नहीं रहे हैं। जाता। चलो ठीक है, इसका हल निकालते हैं। एनीवेज, आगे बढ़े यार, जी सर, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना यस समझते सर, हैं कि किस तरह कंट्रोल किया जाता है और क्यों कंट्रोल करते हैं, उसमें किस चीज का रोल होता है आपकी फिस्कल पॉलिसी का, और मॉनेटरी पॉलिसी का भी रोल होता है। मॉनेटरी पॉलिसी भी क्या होता है कि स्टेट बैंक या आपकी जो रेगुलेटरी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जो कि तमाम बैंक को या तमाम इकोनॉमी को रेगुलेट कर रहा होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नोट्स। वो अगर पैसे ज्यादा छापेगा तो क्या होगा, आप लोगों के पास पैसे ज्यादा ज्यादा आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगा, आप ज्यादा चीजें खरीदना शुरू करेंगे। तो ये दो पॉलिसीज होती हैं जिनको हम आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, इंशाल्लाह ताला हम उसके भी ऊपर रोशनी डालेंगे। ठीक है, अब ये मैंने समझा दिया कि इन्फ्लेशन अच्छा है बुरा है, और अगर वो एक हद से पार हो जाता है तो फिर ये बुरा है, यानी 2% से ज़्यादा होता जाता है तो फिर ये एक इश्यू है हम सब लोगों के लिए या एक इकोनॉमी के लिए। अगर वो 2% से या 3% तक रहता है तो फिर एक नॉर्मल सी चीज़ है, उसको सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं और उसको बियर कर सकते हैं। अफेक्ट्स क्या हैं इन्फ्लेशन के, ये सब लोग जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, डिमांड के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, प्रोडक्शन के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, यानी जितनी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की चीज़ें हम लोगों ने सेट करी हैं कि प्राइसेस, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, प्रोडक्शन, इन सारी चीज़ों के ऊपर इन्फ्लेशन के असरात होते हैं। इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगा तो कुछ हद तक या कुछ लम्हे के लिए या कुछ वक्त तक तो आपकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अचानक से लोगों के पास पैसा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा तो फिर वो डिमांड करना भी बंद कर लेंगे, चीज़ों को परचेज करना भी छोड़ लेंगे, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इकोनॉमिक रिसेशन आएगा। तो ये लास्ट जो है हमने ट्रेड साइकिल के अंदर इसको अपना डिटेल में पढ़ा था। अच्छा, आते हैं हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन के टाइप्स कितने हैं? एक होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। कौन सा इन्फ्लेशन? क्रीपिंग। क्रीपिंग का पता है क्या है माइंड? टहलता हुआ, जो जिस तरह बच्चा होता है ना घूमने से पहले उसकी एक हालत होती है, इस तरह एक इन्फ्लेशन की भी हालत होती है कि 2% तक या 0 से 3% तक अगर वो एग्जिस्ट करता है पर ईयर के हिसाब से। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने शेयर करी है, तो उसको हम बोलते हैं क्रीपिंग, यानी एक नॉर्मल या एक छोटे लेवल का इन्फ्लेशन, या एक गुजारे लायक इन्फ्लेशन, या गुजारे लायक महंगाई, या जिसको हम बर्दाश्त कर पाए आमतौर पर, तो उसको बोला जाता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब जैसे ही ये क्रीपिंग से बंदा निकलता है ना, जैसे बच्चा होता है और जैसे उसके पाँव में ताकत आने लगती है तो फिर ये भागने लगता है, तो उसको बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। सही, ठीक है। अल्फाज बिल्कुल सिंपल अल्फाज हैं, आप अल्फाज से ही समझ जाएं कि इनका क्या मतलब हो सकता है। और वॉकिंग इन्फ्लेशन में ये लोग कह रहे हैं कि 3-10% अगर इन्फ्लेशन है पर ईयर की बात कर रहा हूँ इकोनॉमी के अंदर, तो ये वॉकिंग इन्फ्लेशन है। सही है, ये बुरा इन्फ्लेशन है, और जो कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज है उनको हम अचीव नहीं कर सकते, उनको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो पिछली आवाम है, जो पिछला हुआ तबका होता है, या बिल्कुल गरीब होते हैं, जो लोअर लेवल के लोग होते हैं, वो इसको एक्सेस नहीं कर पाते आम चीज़ों को, तो ये उनके लिए बड़ा मसले वाला होता है या मसले वाली सिचुएशन होती है। और फिर हम आते हैं गैलपिंग इन्फ्लेशन। गैलपिंग का क्या मतलब है? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैलपिंग? गैलपिंग का मतलब क्या है? आप लोगों में से कोई इनपुट दे दे। ये पढ़ा नहीं कभी। गैलप का वर्ड नहीं सुना कभी आप लोगों ने? सर जो घोड़ा भागता है उसको बोलते हैं ना गैलपिंग। देखें पहले क्या था, वॉकिंग। वॉकिंग मतलब इंसान, इंसानियत के अंदर 10% के अंदर है तो वो इंसानियत के अंदर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वहीं से निकला, अपनी लेवल से निकला, अपनी औकात से निकला, तो उसको हम क्या बोलेंगे? भागता हुआ इन्फ्लेशन, यानी एक रैपिडली राइजिंग इन्फ्लेशन, या ये जो इन्फ्लेशन है वो हाई लेवल तक, या जो हाइपर इन्फ्लेशन है उससे पहले की लेवल तक का इन्फ्लेशन होता है, जिसमें 10% या मोर
यानी 10 से 20 25 तक अगर ये किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है तो उसको हम बोलेंगे गैलपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। और उसके बाद आता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन यानी 50% इन्फ्लेट हो तमाम प्राइसेस किसी भी इकोनॉमी के अंदर, तो उसको बोला जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। ये हुआ था जब अपना अफगानिस्तान की और अमेरिका की जंग लगी हुई थी, तो अफगानिस्तान के अंदर एक मुर्गी यानी 1 किलो मुर्गी की कीमत हो गई थी 1,000 रुपये, और उस वक्त कोई मुर्गी हुआ करती थी 100 या 125 रुपये के अंदर, ठीक है। तो यानी इस लेवल की उसके अंदर चेंजेस आ गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर का क्या मतलब होता है, यानी टॉप, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि यार आप हाइपर हो रहे हो, आप इतना गुस्सा कर रहे हो, आप क्यों इतना चिढ़ रहे हो, और वैसे आजकल हाइपर टेंशन भी हो रहा है लोगों को, उसी के साथ साथ एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है हाइपर इन्फ्लेशन का। इकोनॉमीज को या कंट्रीज को हाइपर इन्फ्लेशन होता है और लोगों को हाइपर टेंशन होता है, यानी बड़े दर्जे का की परेशानी जिसको हम बोले, ठीक है। अब इन लोगों ने एग्जांपल्स दिए हैं कि जर्मनी के अंदर 1920 के अंदर हुआ था, जिम्बाब्वे के अंदर हुआ था, और इस तरह ये अलग अलग कंट्रीज के इन लोगों ने एग्जांपल्स दिए। वैसे हमारे 2001 में या 1999 के अंदर बहुत बड़ा इन्फ्लेशन हुआ था अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, क्योंकि वहाँ जंग छिड़ गई थी। तो जंग की सूरत हाल में आप लोगों को पता है कि चीज़ों का मिलना, चीज़ों का एक्सेस होना ही बड़ी बात होती है, क्योंकि प्रोडक्शन मुतासर होती है, कोई चीज़ बन रही हो और बन नहीं रही होती, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे बिल्कुल बैन होता है, या यार देखें ना आप लोगों के सामने ना कश्मीर का इशू, फलस्तीन का इशू, तो वहाँ पर कोई इकोनॉमिक अपना एक्टिविटी तो नहीं हो रही ना, सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं, सारी मशीनें बंद पड़ी हैं, सारे फार्म हाउसेस बंद पड़े हैं, सारे जितने भी प्रोडक्शन की चीज़ें, तो जब वो जैसे ही खुलेंगी तो उनके पास बिल्कुल शॉर्टेज होगी प्रोडक्ट्स की, तो जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, बड़े बड़े दामों पे बेचेंगे, क्योंकि आगे वाले लोग तो जाहिर सी बात है उनको इस्तेमाल करके खाना पीना है, तो ऐसे नहीं रहना, तो उसको हम क्या बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। दूसरा होता है स्टैग इन्फ्लेशन। ये दो वर्ड से मिलके बना है, यानी स्टेगनेंट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन स्टेगनेंट का मतलब है एक जगह पे रुका हुआ, इस तरह बोलते हैं ना कि स्टेगनेंट वाटर, तो आप लोग पढ़ते होंगे कोई मैट्रिक में एक बैक्टीरिया का कोई टाइप है जो कि स्टेगनेंट वाटर पे डेवलप होता है, यानी बल्कि मॉस्किटोज, तो साइंस के अंदर या इस तरह कोई सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो उसमें पढ़ाया जाता है कि स्टेगनेंट वाटर के ऊपर बहुत सारी डिजीजेस एग्जिस्ट करती हैं। तो ऐसे ही स्टेगनेंट का यहाँ पर मतलब है कि स्टेगनेंट इकोनॉमी और इन्फ्लेशन। स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी एक जगह पे खड़ी हुई है, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन की एक लिमिट बनी हुई है, एम्प्लॉयमेंट की इतनी लिमिट बनी हुई है, लेकिन उसके अगेंस्ट प्राइसेस इन्फ्लेट करती जा रही है। वैसे उसूलन या आमतौर पे यही होता है कि प्राइसेस जब इन्फ्लेट करती हैं तो इकोनॉमिक के अंदर भी डेवलपमेंट आ रही होती है, लोगों को मुलाजमत मिल रही होती है, गवर्नमेंट इनकरेज कर रही होती है प्रोड्यूसर्स को, उनको सब्सिडीज दे रही होती है ताकि वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखें। लेकिन तारीख में एक मरतबा ये स्टेगनेंट इन्फ्लेशन आया था, वो यूएस के अंदर आया था 1970s के अंदर, जब इनकी इकोनॉमी एक जगह पे रुक गई थी और प्राइसेस इनसे कंट्रोल करना नहीं हो रही थी, कंट्रोल भी नहीं आ रही थी, ठीक है। तो इन लोगों ने फिर उसको रिड्यूस किया, फिर इन लोगों के इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने आके इंटरवेन किया और फिर यूएस को यानी अमेरिका को अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ये लोग लेके आए, तो उसको हम कौन सा इन्फ्लेशन बोलेंगे, स्टेगनेंट इन्फ्लेशन या स्टेगफ्लेशन। और कोर इन्फ्लेशन
कोर इन्फ्लेशन ऐसा इन्फ्लेशन है जो कि फूड और एनर्जी को कंसीडर नहीं करता। अब यहाँ पर तो टूरिज्म कम होती है, आप दोबारा बोले आपको कौन सा दोबारा तर्जुमा है उसका नाम लिखें। कोर वाला मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन ऐसा इन्फ्लेशन या सच अ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड या इन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सच गुड्स दैट आर एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी, यानी खाने पीने की अशिया और एनर्जी की अशिया को जो इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं करें। इन्फ्लेशन क्या होता है कि तमाम के तमाम इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स होती हैं या सर्विसेज होती हैं उनको कंसीडर करता है कि इस प्रोडक्ट की इतनी प्राइस बढ़ रही है, इतनी चीज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन ऐसा होता है, ये कुछ थ्योरिस्ट हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, वो बना कर रहे हैं कि यार देखो फूड की प्राइसेज या जो एनर्जी की प्राइसेज है वो वेकेशन में वैसे ही बढ़ती हैं। वो इसलिए बढ़ती हैं कि लोग जब छुट्टियों पे जाते हैं, जब उनकी छुट्टियां होती हैं तो वो बाहर चले जाते हैं, वहाँ पर होटल्स बुक करवा लिए या रिजॉर्ट्स बुक करवा लिए, तो वहाँ खाना पीना जो है दबा के खाते हैं और फिर वहाँ एनर्जी भी यूज होती है, गैस हो गई या जो भी अपना फ्यूल पकाने के लिए वो यूज करते हैं। तो उस चीज़ को ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को आप मना करें, या इस तरह का अगर इन्फ्लेशन है कि फूड और एनर्जी के अलावा चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो उसको उन लोगों ने एक अलग नाम दे दिया है। वैसे देखें, वैसे जो जनरल इन्फ्लेशन है वो सब चीज़ों को कंसिडर करता है, ठीक है, और सब चीज़ों में से अगर हम दो चीज़ों की प्राइसेस को कंसिडर नहीं करें, काउंट नहीं करें, कौन सी, फूड और एनर्जी की प्राइसेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोर इन्फ्लेशन। उसके बाद डिफ्लेशन है, ठीक है। डिफ्लेशन के अंदर क्या होता है कि आपकी प्राइसेस कम होती जाती हैं, और फिर वेज इन्फ्लेशन। अब वेज इन्फ्लेशन होता है प्रोड्यूसर साइड इन्फ्लेशन। देखें दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, एक कंज्यूमर इन्फ्लेशन, दूसरा प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर को भी चीजें जब वो बनाता है तो उसके ऊपर भी असर होता है। मिसाल के तौर पर पहले एम्प्लॉई उसका काम करता था 20,000 के अंदर, अब वो एम्प्लॉय महंगा हो गया और 22,000 पे काम करना चाह रहा है या 25,000 पे। या जैसे अभी इमरान खान ने अपनी बजट में अनाउंस किया कि हर एम्प्लॉय की कम से कम आमदनी किसी भी एम्प्लॉयर को 30,000 देनी होगी, ठीक है। यानी ये वेज इन्फ्लेशन आ गया, ये किसको मुतासर करेगा, प्रोड्यूसर को मुतासर करेगा। ऐसे ही एसेट इन्फ्लेशन है, प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा हो गई, बिल्डिंग की कीमत ज्यादा हो गई, रेंट की कीमत ज्यादा हो गई, प्राइस ज्यादा हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, एसेट इन्फ्लेशन। सही है, मुझे कोई फैक्ट्री खोल ली है नूरियाबाद में और मुझे पता चला कि प्लाट की प्राइस ज्यादा हो गई है। पहले अगर प्लाट की प्राइस 5 लाख होती थी तो आप अब उसकी प्राइस 7 लाख हो गई है, 6 लाख हो गई है। यानी एसेट के अंदर इन्फ्लेशन आ गया है और ये एसेट इन्फ्लेशन दोनों को अफेक्ट करता है, प्रोड्यूसर को भी और अपना कंज्यूमर को भी। अब ये चीज जिस तरह ये मोबाइल है ये मेरा एसेट है, और कार अगर मैं ले लेता हूँ तो वो भी मेरा एसेट होगा, तो उसकी अगर प्राइस बढ़ती है तो क्या होगा, ये एसेट इन्फ्लेशन है। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि आप खा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि आप इन्वेस्ट कर लेते हैं, प्लॉट लेकर और आपने इन्वेस्ट कर लिया तो उसमें भी अगर इन्फ्लेशन आता है तो क्या है, एसेट इन्फ्लेशन है, सही है। फिर गैस के अंदर अगर इन्फ्लेशन आता है तो वो गैस इन्फ्लेशन कहलाएगा या एसेट इन्फ्लेशन गैस कहलाएगा।
एसेट इन्फ्लेशन ऑयल कहलाएगा। अब अच्छा ये किसके लिए? कि प्रोड्यूसर के लिए, जो प्रोड्यूसर होगा गैस का या गैस का जो सेलर होगा उसको अगर क्रूड गैस या क्रूड ऑयल ज्यादा कीमतों में मिलता है तो ये कौन सा इन्फ्लेशन होगा? ये गैस इन्फ्लेशन होगा। और ऐसे ही अगर क्रूड ऑयल उसको ज्यादा कीमतों पे मिलता है तो ये ऑयल इन्फ्लेशन होगा। देखें हमारी जो इन्वेंट्रीज होती हैं या जो रॉ मटेरियल हम लेके रखते हैं वो क्या होता है, जो कंपनी से लेके रखती है वो क्या होता है, एसेट ही होता है। हम बैलेंस शीट में कहाँ रखते हैं उसको? एसेट की साइड। तो एसेट से रिलेटेड जो जो इन्फ्लेशन होते हैं तो वो एसेट के अंदर आते हैं, और जिस भी एसेट का जो इन्फ्लेशन आए तो उस एसेट इन्फ्लेशन के आगे वो वर्ड लगाएं, उसका नाम लगा दें, ये आपका पर्टिकुलर इन्फ्लेशन